नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा। गुजरात के आणंद में आयोजित चुनावी जनसभा में पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा है कि कभी हाथ में हथगोले लेकर के दुनिया में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान के हाथ में अब अपने देश के लोगों को आटा खिलाने तक के लिए भीख का कटोरा आ गया है। ये पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। जो देश कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था वो आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। जिसके हाथ में कभी बम गोला था उसके हाथ में आज भीख का कटोरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर हमला करने के साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी के 60 साल के कार्यकाल को शासन के रूप में और बीजेपी जिसके 10 साल के कार्यकाल को देश सेवा के रूप में याद करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि देश के दुश्मन भारत में मजबूत नहीं कमजोर सरकार चाहते हैं, जो कि मुंबई में हमले करने के बाद भी पाकिस्तान को डोजियर भेजे ना कि मोदी जैसा मजबूत सरकार जो कि आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमला करती है। 60 साल तक कांग्रेस का राज देखा है और देश ने 10 साल भाजपा का सेवा काल भी देखा है। वो शासन काल था, ये सेवा काल है। कांग्रेस के 60 साल के शासन में करीब 60% ग्रामीण आबादी के पास टॉयलेट नहीं था, शौचालय नहीं था। ये 60 साल के बाद 10 साल में भाजपा सरकार ने इस देश में 100% टॉयलेट बना दिए। साठ साल में कांग्रेस देश में सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण घरों तक ही नल से जल की सुविधा पहुंचा पाई, यानी कि 20% भी नहीं, 20% से भी कम घरों में वो नल से जल पहुंचा पाई। 10 साल में ही नल से जल पहुंचने वाले घरों की संख्या आज 14 करोड़ घर हो गई है, यानी 75% घरों में नल से जल पहुंचा है। 60 साल मेरे 10 साल, आप देखिए कितना बड़ा फर्क है। 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों पर कब्जा कर लिया और ये कहा कि बैंक गरीबों के लिए होनी चाहिए, इसलिए राष्ट्रीयकरण। आज स्थिति ये है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के नाम पर करने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार 60 साल में करोड़ों गरीबों के बैंक खाते नहीं खोल पाई। मोदी ने 10 साल में 50 करोड़ से